सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फ्लोट ऑप्शन के बारे में। कुछ बच्चों का कमेंट आया, वो जानना चाहते हैं कि फ्लोट के बाद हमारे पास जो सीट हमें पहले मिली थी वो रहेगी या नहीं, या जो आगे जो सीट मिलेगी वही लेनी होगी, या फिर कोई चॉइसेस मिलेगी इनके बारे में। तो इससे रिलेटेड डाउट आ रहा है। तो गाइज, इसको बताने से पहले मैं बता दूं, आप एक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए नॉलेज इज लाइफ करके, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया। उसमें आपको सारे वीडियोस के अपडेट मिलेंगे और आप आपस में भी चैट कर सकते हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम हो वहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हो और मेरे को डायरेक्टली रीच भी कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं फ्लोट ऑप्शन क्या होता है। सबसे पहले तो गाइज, फ्लोट ऑप्शन क्या होता है कि आपको कोई कॉलेज मिल चुका है और उसके ऊपर आपने और भी कुछ चॉइसेस डाल रखी हैं उसमें, जो भी कॉलेजेस हैं तो उससे रिलेटेड जो चॉइसेस हैं वो भी आपको मिल सकती हैं। फ्लोट एक तरीके से अपग्रेड ऑप्शन जैसा होता है। तो गाइज, अब इसमें डाउट ये है कि अगर मैंने मान लीजिए फ्लोट किया, मेरे को कोई सीट मिली और बाद में मैंने फ्लोट किया और मुझे दूसरी सीट मिली, तो उसके बाद क्या होने वाला है? तो उसके बाद मैं बता दूं गाइज, अब जो सीट मिली आपको वो लेनी होगी। पहले तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर आप फ्लोट कर रहे हैं उसके बाद जो चॉइस मिली आपको वही लेनी होगी। आप प्रीवियस जो अलॉटमेंट मिला है आप उसमें नहीं ले सकते हो, वो अपने आप चला जाएगा आपका। तो आपको अपग्रेड, अगर आप फ्लोट कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल ध्यान देना है कि आपने चॉइसेस ऊपर अच्छे से भरी हूँ तभी आप फ्लोट करिए, नहीं तो हो सकता है कि आपको जो चॉइस नहीं चाहिए, जो आपको कॉलेज नहीं चाहिए वो भी अलॉट हो सकता है। तो वाइसली अपनी चॉइस फिल कीजिएगा। तो यही था कि मतलब शुरू में अगर आपको एक सीट मिल गई है तो उसके बाद अगर आप फ्लोट करते हैं तो उसके बाद जो अगली सीट मिलेगी वो आपको लेनी होगी। अब बात करते हैं कि प्रीवियस सीट अवेलेबल है कि नहीं, ये मैंने बता दिया और ये चॉइसेस भी बता दी मैंने कि चॉइस जो भी है अवेलेबल बिटवीन प्रीवियस एंड आफ्टर सीट, तो आपको आफ्टर सीट चुननी पड़ेगी। अब बात करते हैं कि आगे के राउंड में क्या होगा। जब आपने फ्लोट के बाद सीट चुन ली तो उसके बाद आप वापस फ्लोट कर सकते हैं। राउंड टू राउंड सिक्स तक आप बिल्कुल फ्लोट कर सकते हैं कि आपने 10 चॉइसेस भरी, 10 में से आपको 10th नंबर की चॉइस मिली। अब आपने फ्लोट किया, अब आपको 8th नंबर की चॉइस मिली। ऊपर और भी चॉइसेस अवेलेबल हैं, आप फिर से चाहते हैं कि और अच्छा ऑप्शन मिले तो आप वापस दूसरे राउंड में फ्लोट कर लीजिए, तो आपको फिर से नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाए। ऐसे ही आप हर राउंड के बाद फ्लोट का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो गाइज, अब उम्मीद करता हूँ कि इसके ऊपर पूरे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। और अभी भी कोई डाउट बचते हैं तो टेलीग्राम चैनल तो बता ही दिया, वहाँ पे आप जाइए और ज्वाइन कीजिए और अपने डाउट्स सॉल्व कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।